हवा के चलते एक बुरी चीज भी होगी। आज मैं जल्दी उठी और आज मैंने स्ट्रेचिंग स्टार्ट करी, थोड़ी थोड़ी थोड़ा योगा स्टार्ट करा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी फिर मैं सब कुछ स्टार्ट करूंगी, पर मुझे ठीक होने के लिए सब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये डायरी मेंटेन कर रही हूँ, इस डायरी में मैं लिखूंगी कि मैं पूरे दिन क्या खाती हूँ और वो मेरे को सूट करता है कि नहीं, और जो जो चीजें मुझे सूट नहीं करेंगी वो मैं निकालती जाऊंगी लिस्ट से। पर इस डायरी में मैं लिखूंगी जो जो IBS में चीजें खानी चाहिए, मैं जो नहीं खानी चाहिए, जो खानी चाहिए, और ये सोलबल फाइबर जो खाना चाहिए और जो नहीं खाना चाहिए। मैं बिल्कुल एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलूंगी, क्योंकि सिर्फ दवाई बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, हमारे खुद के एफर्ट्स भी ठीक कर सकते हैं। मुझे पता है ये बात के मतलब मुझे खुद कुछ करना चाहिए, पर मैं कुछ खुद कुछ कर ही नहीं रही हूँ इतने टाइम से। आज मैंने खाया आलू का तड़का सा परांठा साथ दही। वाह, 40 डिग्री टेम्परेचर और लाइट चलेगी और टॉप फ्लोर और गर्मी, वाह। पसीने के ऊपर हवा चले तो कितना आनंद आता है। ये मैंने पानी ठंडा होने को रखा है, देखो देख सकते हो पानी ठंडा हुआ है। ये मैंने YouTube पे कोई वीडियो देखी, उसमें बंदे ने बताया कि पानी ऐसे ठंडा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से होता है कि पानी के आगे पीछे ना एक गीला कपड़ा बांध लेना है और वो गीला कपड़ा सूखेगा, आप बॉटल के ढक्कन को थोड़ा ढीला बंद करना है, ठीक है, पूरा प्रॉपर टाइट नहीं करना है। फिर क्या होगा कि जो कपड़ा होगा ना वो सूखेगा, क्योंकि गर्मी है बहुत ज्यादा तो कपड़ा तो सूखेगा ही, या तो कपड़ा हवा से सूखेगा या तो कपड़े को हीट भी चाहिए होती है सूखने के लिए, जैसे हम बाहर टांगते कपड़े को तो कपड़ा धूप की हीट से सूखता है। तो इस तरह जब हम इसको लगाते हैं तो बीच में जो गर्म पानी होता है ना वो कपड़ा इस गर्म पानी की हीट को लेता है और फिर सूखता है, शायद मेरे ख्याल से ये लॉजिक है। और फिर जब वो सूखता है तो पानी की से जब कोई हीट लेगा तो पानी पीछे ठंडा हो जाएगा, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। तो ये इसी तरीके पानी ठंडा करने का। उसी तरह मैंने फ्रूट ठंडा होने को रखा हुआ है, पर ठंडा हो गया तो हम ये खाएंगे। इसको बोलते हैं पता नहीं क्या, ये कपड़ा सूख गया तो हम इसको वापिस गीला करके उसके साथ चिपका देंगे बॉटल के साथ। इसमें ना नमक डाल के टेस्ट आता है, पर मेरे पास नमक है नहीं तो इसलिए मैं नींबू नहीं जोड़ूंगी इसमें। और ये मेरा लीस्ट फेवरेट फ्रूट है। लीस्ट फेवरेट क्या, फेवरेट है ही मतलब खाने को मिले तो मैं खा लूं, पर खुद से खरीद के ना खाऊं। वैसे खुद से ही खरीदा हुआ है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। देखो आप मुंह में पानी मत लाना, ये बिल्कुल टेस्टी नहीं है, ठीक है। बेकार, आधा खा लिया आधा रख लिया। कि IBS में ना हम दबड़ भूसे में सब कुछ नहीं खा सकते एक साथ, जब इतना रोटी भर भर के खा लें तो उससे पेट और खराब हो सकता है IBS में। इसलिए मैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चल रही हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, मतलब थोड़ा खाया फिर एक दो घंटे बाद फिर थोड़ा खाया। IBS में डिसिप्लिन चाहिए, जो कि मेरे में नहीं है। मेरे में था पहले, जब मैं ठीक थी ना तब मैं डिसिप्लिन थी काफी, मैं सुबह 4 बजे उठती थी पता है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं जब मैं ठीक हो जाऊंगी फिर मैं जल्दी उठूंगी, फिर मैं सोचती नहीं यार इस बीमारी को डिसिप्लिन चाहिए, मतलब इसको प्रॉपर मेडिटेशन एक्सरसाइज योगा और प्रॉपर फूड खाना किस तरह है क्या खाना है, फॉडमैप फॉलो करना है, हाई फॉडमैप वाले फूड नहीं खाने हैं, वो मैं देख रही हूँ क्या क्या हाई फॉडमैप वाला फूड है, लो फॉडमैप वाला फूड खाना है। अब जाके मैं प्रॉपर देख रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में अब तो खाली दवाइयों पर डिपेंड थी और बस मतलब डॉक्टर्स पर डिपेंड थी, और डॉक्टर आपको सिर्फ दवाइयां दे सकते हैं, ठीक होने की विल आपके खुद के अंदर होनी चाहिए। तो अब मेरे अंदर विल है कि हाँ भाई मैंने ठीक होना है एट एनी कॉस्ट। अब मैं नहाने लगी, पानी है कि नहीं, अगर आज पानी नहीं हुआ तो मैं अभी इसी वक्त नीचे जाऊंगी, मैं कसम खाती हूँ माता रानी की मैं भी नीचे जाऊंगी। पानी है, देख के अंदाजा लगा सकते हो कि बाहर कितनी गर्मी है। मैं बहुत गर्मी है, गर्मी भी कैसी है कि मतलब कि सूखी सूखी सी गर्मी। हाँ एक और चीज यार, ये पेड़ से ना कुछ उड़ रहा है, आपको दिखेगा नहीं अभी, लेकिन पेड़ से ना बहुत कुछ उड़ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मेरे को लगा कि कोई छोटी छोटी जो फ्लाइज होती है ना उनके फेदर्स है, मेरे को लगा पहले ये हर जगह देखने को मिल रहा था। फिर मेरे को याद आया कि मैंने यहाँ पे एक चीज रखी है, मैंने एक गोलू गोलू लाया था, मतलब एक लिटिल बिग थिंग लाई थी, मैंने एक चीज लाई थी बीच में से ये निकला, ये गोलू गोलू। तो मैं नहाने जा रही हूँ, तो मैं नहा के आ गई।
मुझे स्टंट में से चप्पल उतार के करना पड़ा, नहीं तो मैं गिर जाती। और ये कसम से, हाँ कसम, ये मेरा खुद का बनाया ट्रांजिशन है, मैंने खुद बनाया, कसम से मैंने खुद बनाया। दाल इतनी कच्ची है ना यार, ये निकाल निकाल के रखनी पड़ रही है, इतनी कच्ची दाल बनाई है, बीच में कच्ची कच्ची दाल डाली है यार, मैं इनको नहीं छोड़ती। आ ये उनकी वजह से हुआ, अम्मी नहीं छोड़ती। और तुम्हें कंप्लेन करूंगी, सारी चीजों की कंप्लेन करूंगी, आज मैं रोटी ही नहीं खाई जा रही यार, रोटी ही नहीं खाई जा रही, इतनी कच्ची रोटी यार, आज मैं कंप्लेन करूंगी। अगर आप इस वीडियो में देखोगे कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, रीडिंग रूम जा रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है यार, अब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, पेपर आ रहे हैं, जस्ट किडिंग, रीडिंग रूम इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ठंडी ठंडी एसी की हवा होती है, तो एसी की हवा खाने जा रही हूँ, जस्ट किडिंग, मैं आज से पहले रीडिंग रूम कभी नहीं गई क्योंकि मुझे एसी के नीचे बैठना पसंद नहीं है, मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड बुला रही है। और आप बोलोगे कि ये भी जस्ट किडिंग होगा क्योंकि मेरी हॉस्टल में तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, यहाँ पे मैं किडिंग नहीं कर रही, यहाँ पे मेरी एक नई दोस्त बनी है हॉस्टल में, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही बनी है, तो फिर वो बुला रही है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। कोई चावल से भरी गड्डी भी लाओ क्योंकि यहाँ पे मैं पहली बार अपने कदम रखने वाली हूँ। हाय हाय कर दो ब्लॉग में। हेलो ऑनलाइन स्क्रॉल करने में इट्स बीन 4-3 आवर्स, इतने में तो मैं क्या क्या पढ़ लेती हूँ, कर लो ऑर्डर, ज्यादा मोटा, मीडियम ज्यादा पतला, और मेरे को भी पता कितनी दिक्कत आती है, मेरा स्मॉल साइज मिलता ही नहीं है, स्मॉल लड़कियाँ पहले उठा लेती है, लंबी लंबी खोता लड़कियाँ होती है ना वो भी स्मॉल इतने इतने कपड़े पहनना प्रेफर करती है यार, हमारे लिए, हम छोटे बच्चों के लिए स्मॉल साइज छोड़ दी नहीं है लोग यार। आप आए खोली दिए बुकलेट ताकि कोई अगर बंदा आवे तो लगे की आपा पढ़ाई करते पे, खोलो यार किताब, खोलो यार नहीं, ये तो आंटी मेरा ब्लॉग भी देखते हैं, उन्होंने देख लिया मेरा ब्लॉग, हम पढ़ने नहीं आते यहाँ पे, फिर लो आंटी जो तुसी देखा ओना दी तुसी सब्सक्राइब और लाइक कर दो। इतना बड़ा ताला, वाह यार वाह, कितना मैनेज करके रखा हुआ सामान, वाह वाह वाह, ये आप करो, मैं हाँ। मैं आपको अपना रूम नहीं दिखाऊंगी। तुम आप हो, आप हीना को जानते हो? हीना आपके बारे में बात करती थी, वो आपके रूम का मेरे को फोटो दिखाती थी। जी जी हाँ, मेरी फ्रेंड बोलती कि एक लड़की है वो उसका रूम बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा डेकोरेट करके रखा है, देखो कभी से मिलवाऊंगी, तो लॉकडाउन लगे वो तो घर चली गई, और मैं खुद इनसे मिल गई अचानक से। इनकी चेयर देखो कितनी अच्छी है, मेरी कितनी फटी चेयर है। ओए 12 के देखना, 12 के मौसम देखना, ओए 12 ना यार मौसम देखो, मौसम पता कितनी गर्मी थी, 40 डिग्री टेम्परेचर था, और अभी इतना सेक्सी मौसम हो रहा है, वाओ। ओ, मेरे को आम मिला, मतलब यहाँ पे आम का पेड़ है, मिल गया ये आम का पेड़, ये आम का पेड़ है, देखो ये। लाइट भी नहीं, बाल बाल बचा मेरा पजामा, ये तो मेरे से भी नहीं निकल रहा, मेरा और भी बड़ा सामान था, आ गया क्या यार, टेस्टी नहीं है, प्लीज मुंह में पानी मत लाओ। क्या यार सारा गंद अंदर आ गया, इतनी मेहनत से सफाई की थी यार, ये तो मैंने धोई नहीं, रूम से कैसे आ गया, यहाँ पे तो कांच टूटा, ओए एक और आम, यहाँ पे कहाँ पे पेड़ आ गया, ओए अब तो मैं घर नहीं जाती, अब तो मैं यहाँ बैठ के आम खाऊंगी रोज, ओए एक और आम, कोई मेरी चांदी होगी, ओए एक और आम, वाह यार। तो ये है आम का पेड़, ये परी पेड़ बहुत ऊंचा, पता नहीं कैसे तोड़े, हवा देखो यार, इस पेड़ को भी हिलाओ यार, आम वाले पेड़ को, वाओ मेरे पास गुल्ली है और मेरे को गुल्ली के लिए डंडा भी मिल गया, मैं गुल्ली डंडा खेलूंगी, देखो ये क्या हो गया यार, हवा के चलते एक बुरी चीज भी होगी, मेरे पजामे ने सुसाइड कर लिया, ओ शिट यार मेरा वो चद्दर और नीचे चलेगी, मैं बाहर जा रही हूँ डॉगिस के पास और ऐसे यूनिवर्सिटी घूमने क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा, और सिर्फ हमारे पास छाता है, बाकी किसी के पास नहीं है, हम यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं, बाकी सारे बेचारे साडी लाइब्रेरी सारे बच्चे को छाता नहीं है, इतनी बारिश हो रही है और इतनी हवा चली की बेचारा ये भी टेढ़ा हो गया। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में शौचालय क्यों बंद करके रखा हुआ है यार, शौचालय बंद करा हुआ है, सत्य गुरु सो थाने सुहा।
बीबी फते। दिल है के मानता नहीं। पहले हाथ करो, गिफ्ट दो। हाँ गिफ्ट दो, हाथ करो, आंखें बंद। थैंक यू। मैंगो खटाम 100 रुपए का एक पीस। डर क्यों गया, क्या लगा, क्या था? टच बड़ा खराब था। ये नहीं डाल सकती हूँ मैं। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो आप, सब मेरे दोस्त हो। प्लीज प्लीज भाई।